आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में दिल्ली पब्लिक स्कूल काजीसराय एडमिन के द्वारा स्कूल की बस परिचालक को सफाई कर्मियों को बिना किसी कारण से सेवामुक्त किए जाने के विरोध में आज लगभग डेढ़ दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों ने थाना बड़ा गांव की धारा चौकी पर विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने मांग किया कि जिस प्रकार से हमें स्कूल प्रशासन के द्वारा निकाला जा रहा है वो गलत है, हमें बिना किसी सूचना के निकाला जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि हमें हमारी ड्यूटी पर पुनः वापस बुलाया जाए। ज्ञात हो कि कोरोना काल में समस्त कर्मचारियों का वेतन 40% मिल रहा था, वो भी जुलाई से बंद कर दिया गया, जिससे कर्मचारी भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। स्थानांतरण हमारे कार्यों से मुक्त कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर हमारे साथ नहीं हुई तो हम लोग बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। मैं कृष्ण मोहन त्रिपाठी, दिल्ली पब्लिक स्कूल काशी में 1/4/2009 से चालक के पद पर सेवा कर रहा हूँ। आप लोगों को क्यों टर्मिनेट किया गया? हम लोग को टर्मिनेट आना कोरोना काल की आड़ में आड़ को दिखाते हुए हम लोग को टर्मिनेट किया गया। क्या जितने आप लोग जो काम करते थे उससे अवैध में कोई काम कर रहा है या हम नहीं? अब हम लोगों के जो साथ और ड्राइवर कंडक्टर थे वो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, 5 लोग। कितनी गाड़ियाँ चलती थी और कितनी गाड़ियाँ चलती थी, कितने लोगों को टर्मिनेट किया गया? करीब 30-35 ड्राइवर और चालक थे। सबको निकाल दिया गया? सबको नहीं निकाला है, 5 लोगों को छोड़कर 27 लोगों में ड्राइवर कंडक्टर। वहाँ पे चलती है गाड़ियाँ? करीब 32-33 तो है। तो क्या सारी गाड़ियाँ चल रही हैं कि सब? नहीं, सिर्फ 5 गाड़ियाँ चल रही हैं। और सब गाड़ियाँ खड़ी हैं? और सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग यह है कि हम लोग जैसे सेवा करते थे फिर उसी तरीके से सेवा करें। वो स्कूल हमारा है, हमारा परिवार है, वो बच्चों का शिक्षा का मंदिर है। हाँ सर, हमारा नाम अश्वनी कुमार राय, हम DPS काशी में लैब असिस्टेंट के पद पर 2007 से कार्यरत थे। क्या मामला है और आज कहाँ है? मामला सर ये है कि हमारे साथ जो ड्राइवर, वाशरमैन सभी लोग हैं, ये लोग कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 8 साल से सेवा कर रहे हैं। उसमें DPS काशी में प्रिंसिपल सुनील सिंह रावत और एडमिन मैनेजर संदीप सिंह, ये दो लोग जो है इन लोगों को आए 1 साल, किसी को 1.5 साल हो रहा है। जो हमारे सारे ड्राइवर और हमारे वाशरमैन, लैब असिस्टेंट, ये सारे लोग हैं, इनको ये इतना प्रताड़ित किए हैं कि कोरोना काल में इन्होंने सैलरी जो है ना मात्र किसी को 1000 अल्टरनेट करके ड्यूटी देते थे, और कोरोना काल में किसी को 1000, किसी को 1500 ऐसे देते थे। इधर विगत जो है 6 महीने से बिल्कुल पैसा बंद कर दिए हैं, बिल्कुल सैलरी देना ही बंद कर दिए हैं। इसके बाद इन्होंने जो है एक बोले कि जो है आप लोग बैक डेट का छुट्टी ले लीजिए, 4 महीने का छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी न लेने पर ये दबाव बनाने लगे कि अगर छुट्टी नहीं लेंगे तो हम आप लोगों को टर्मिनेट कर देंगे। इस तरह की धमकी, इस तरह का दबाव फ़ोन द्वारा स्कूल में जाकर मिलने की, कौन दे रहा था धमकी जो है? प्रिंसिपल और एडमिन मैनेजर सुनील सिंह रावत और एडमिन मैनेजर संदीप सिंह, ये दोनों लोग ये धमकी दिए हैं कि आप लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और स्कूल गेट के बाहर कर भी दिया गया। जबकि ड्राइवर कंडक्टर हमेशा उनसे यही कहते थे कि हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमेशा जो है ड्राइवर कंडक्टर को ये टारगेट बना के परेशान करते थे कि किसी न किसी प्रकार से इनको प्रताड़ित करें, और लास्ट में इन्होंने 27 ड्राइवर और कंडक्टर को टर्मिनेट करके निकाल दिया। टर्मिनेट का कारण क्या बताया गया स्कूल प्रशासन को? कोई भी कारण बिना बताए ये अपने मनमानी ढंग से अपने दबंगई के बल पर ये अपने पावर का यूज़ करके मिसयूज किए और करके बिना कोई वो किए टर्मिनेट कर दिए। इस संदर्भ में आप अभी कहाँ आए हैं और क्या मांगे? हम माननीय पुलिस चौकी प्रभारी महोदय थाना हरौंगा में, चूँकि इसके पहले 2 दिन पहले थाने में हमारे DPS काशी में संदीप सिंह, ये जो है आपके मैनेजर, एडमिन मैनेजर और प्रिंसिपल सुनील सिंह रावत, ये बोले कि आप लोगों की समस्या हम 2 दिन के अंदर, मतलब आज दिनांक 8 9
2021 को हम लोग पुलिस चौकी हरौंगा में यह बयान दे रहे हैं कि हम लोग की कोई सुनवाई वासरमैन गेट पर जा करके और वहाँ करीब 3 घंटे खड़े होने के बाद भी वहाँ कोई उनका निर्णय नहीं निकला, और इसलिए जो है हम लोग परेशान होकर के थाना पुलिस चौकी हरौंगा पर आकर के यह बात आपके समक्ष कर रहे हैं। प्रबंधक से बात होने पर वो सीधे बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को कोई बस ये ट्राल मट्रोल कर रहे हैं कि 2 दिन का समय लिए थाना प्रभारी महोदय जी से, थाना प्रभारी महोदय जी भी हम लोग से बोले हैं, आज 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 बोले हैं कि हम आज आप लोगों को कराएंगे, निर्णय दिए हैं कि आज आप लोगों का जो है वो किसी प्रकार का नए आदमी का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे और ना हम लोगों की अगर मांग नहीं होती है तो हम लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग जहां भी हमको न्याय मिलेगा वहां तक हम जाने के लिए प्रयास करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।